हाँ गुड मॉर्निंग। देखो ये आपको हम लोग फर्स्ट का आंसर हो गया प्लीज, सेकंड का आंसर हो गया आपको शेयरिंग, ठीक है, और थर्ड एक बच्चा ने लिख के भी भेजा है तो ना स्कोरिंग, थर्ड का जो हो गया स्कोरिंग है ना, ठीक है, स्कोरिंग, और फोर्थ का हो गया है ना स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ठीक है, और फिफ्थ का जो है सेरिकल्चर, फिफ्थ का सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, और सिक्स का हो गया आपको है ना रीलिंग, रीलिंग, ठीक है, और सेवन का जो है वह सिल्क वार्म हो जाएगा, सेवन का सिल्क वार्म, ठीक। आप देख रहे होंगे बोर्ड क्लियर है, बोर्ड क्लियर है, सिल्क वार्म, तो इस तरीके से प्रोटीन सर प्रोटीन होगा। सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ प्रोटीन, तो उसका कंपोनेंट होगा। अब बुक देखिए, बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, बुक देखिए, बुक बुक में आपको लिखा होगा सिल्क वार्म होगा, हेलो इसमें दे रहा है कि सर, प्रदीप कौन, कुमार को ज्वाइन कर ले क्लास को। कौन ज्वाइन कर लिया, सर प्रदीप कुमार, वो बिना आईडी का है। अच्छा यस सर, एक मिनट, प्रतीक कुमार, प्रदीप कुमार ना, उसको हटा देते हैं, सर और प्रतीक, सर प्रिंसिपल सर के भी नाम सर। यस वो प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, ये प्रदीप कुमार कहाँ भाग गया, लगता अपने से हट गया, ठीक है। तो है सर, हट गया। देखो फर्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि द हैरी बडी कोट ऑफ शीप एंड गोट इज कॉल्ड फ्लीस, उसमें क्या होगा, फ्लीस होगा, ठीक है। प्रदीप कुमार को रिमूव कर दिया जाता है, वो आ रहा था है ना, ठीक है, और सेकेंड में सेविंग ऑफ द बॉडी कोट ऑफ सीट इज कॉल्ड शेयरिंग है ना, और थर्ड जो हो गया क्लीनिंग ऑफ फ्लीस टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीज इज कॉल्ड स्कोरिंग है ना, और फोर्थ जो है वह द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ये प्रोसेस है वूल ऑब्टेन करने का, डिफरेंट प्रोसेस है उसमें ये है, ठीक है, और रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ये द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, और जो है सिक्स क्वेश्चन जो है वह है प्रोसेस ऑफ स्प्लिंडर ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून्स, तो इसमें होगा रीलिंग, और सेवंथ जो है वह द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ सिल्क वर्म्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का हो गया, आप सेकेंड जो पार्ट है उसमें है ट्रू और फॉल्स, सेकेंड का आप बी में बी का फर्स्ट है,
कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, तो ये ट्रू है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो फैक्ट्रीज में ही पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको ट्रू, फर्स्ट का ट्रू, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सेकेंड है एयर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये फॉल्स है, एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, एयर जो होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, इसमें लिख दिया है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं होगा, जो आप पढ़े होंगे कि वूलन क्लॉथ जो है वह क्या करता है, ही एयर को ट्रैप करता है, और एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो ट्रांसफर नहीं होने देता है ना। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है स्कॉरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ सीप, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ओके, क्लियर है आवाज, सुनाई दे रहा है, एक मिनट, ये चैट सुना गया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट में है फोर्थ में द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ रॉ एंड डाइड फाइबर इज नोन एज सॉर्टिंग, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स, फोर्थ का हो जाएगा फॉल्स, क्लियर, स्पीकर पूछने देने पड़े। प्रथम सुनाई दे रहा है, प्रथम आवाज क्लियर है? हाँ सर आ रहा है। ठीक, और ये बोर्ड विजिबल है? सर नहीं सर। हाँ? नहीं सर नहीं, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरा कपड़ा, यही दूसरा कपड़ा, हाँ, तो अब नेक्स्ट देखो, दिखाई देगा कुछ, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में है सिल्क वार्म फीड ऑन मलबेरी लीव्स, ये ट्रू हो गया, ट्रू, अब दिख रहा है,
थ्री और सिक्स क्वेश्चन कहता है इसमें द लार्वा सेक्रेट्स वेरी फाइन फिलामेंट्स मेड ऑफ प्रोटीन, ये भी ट्रू है, सिक्स में ट्रू है, ठीक है। सेवन कहता है रेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स, ये भी ट्रू है। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आवाज से क्लियर कीजिए। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स ट्रू, सेवेंथ ट्रू, ओके। क्लियर, बिता दे, इरेज कर दे। प्रथम वेद प्रकाश, हाँ सर, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें आते हैं हम लोग, इरेज कर रहे हैं इसको। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस अलोंग विथ ए वेरी थीन लेयर ऑफ डेड स्किन ऑफ सी इज कॉल्ड शेयरिंग, वाला का हो जाएगा सी का फर्स्ट, उसमें हो जाएगा शेयरिंग, शेयरिंग, ओके। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट एल्ड वूल, शीप, याक, कैमल, बफेलो, बफेलो हो जाएगा, है ना, इससे वूल नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वार्म फीड ऑन रोज लीव्स, टीक लीव्स, मलबेरी लीव्स, ग्रास, यू मल वेरी लीव्स, ये हो जाएगा मल वेरी लीव्स। फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर, सी का फोर्थ, द एग ऑफ सिल्क मॉथ hatches into a caterpillar, cocoon, pupa, larva, तो larva हो जाएगा, larva, ठीक है। तो question number five, उसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, रियरिंग, सॉर्टिंग, स्कोरिंग, तो यहां पर रीलिंग हो जाएगा, ओके। फिर से आप अगेन आप जो बनाए होंगे फिर से एबीसी का फिर से चेक कर लीजिए, अगर आवाज से आप चेक कीजिए, आप बुक खोल के रखिए। ए का फर्स्ट, द हेरी वडी कोट ऑफ सीप एंड गोट इज कॉल्ड फ्लीस, वाला का ए का फर्स्ट फ्लीस हो जाएगा। सेकंड, शेविंग ऑफ द बॉडी कोट ऑफ सीप इज कॉल्ड शेयरिंग, बस शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड में आपको थर्ड है क्लीनिंग ऑफ फ्लीस टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीज इज कॉल्ड स्कोरिंग, है ना। फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉर्टिंग, ओके। और नेक्स्ट जो है आपको द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ऑफ सिक्स
जो है रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून्स, वहां पर रीलिंग हो जाएगा। सेवन, द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ सिल्क वार्म, वहां पर सिल्क वार्म हो जाएगा। क्लियर? तो अनुराग क्या दिक्कत है? अनुराग अनुराग बोलो क्या दिक्कत है सर? थर्ड का क्या होगा? किसका थर्ड? ए का कि बी का? किसका सर? ट्रू एंड फॉल्स। सर ट्रू एंड फॉल्स। तो सी ट्रू एंड फॉल्स। सी में बी का थ्री तो बोल रहे हो। बी का थ्री इज स्कोरिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ थीफ, ये फॉल्स होगा। आदित्य क्या दिक्कत है? आदित्य बोलो। सर फिलिंग द ब्लैंक्स का सेवन में प्रोटीन होगा है? वह आपको जो बोल फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का सेवन में प्रोटीन। सर बुक में भी दिया हुआ है। कहाँ पे? पेज नंबर? सर बुक में वो आप पेज नंबर 216। एक मिनट। सर उसका सेवेंथ लाइन। रुको रुको बता रहे बता रहे। पहले जो रेड हैंड किया है उसको अनम्यूट करने दो। यस सर वही था, वही प्रॉब्लम था। पेज नंबर 216 में सर सिक्स्थ और सेवेंथ लाइन। और आप ये यू मस्ट नो देखा है ना जी? यस सर। सर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लिक्विड हार्डनेस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड चेंजेस इनटू अ फाइन थ्रेड व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किस लाइन पे? किस लाइन पे सर? सिक्स्थ और सेवेंथ लाइन। ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन लिखा हुआ है ना? एक मिनट। यस सर। लेकिन आप जो वी मस्ट नो है ना, वह तो ठीक है, वह जो सिल्क थ्रेड है ना, वह सिल्क थ्रेड बना हुआ है ना, सिल्क प्रोटीन का वह बना होता है, लेकिन वह किससे बना? तो सिल्क वार्म से, वैसे लिख दो प्रोटीन, आप उसमें प्रोटीन ही लिख दो। सेवन जो था ना बी का, ए का सेवन, ए का सेवन, उसकी आप प्रोटीन जो लिखना चाहते, लेकिन ये धागा जो बना है वह प्रोटीन का, वह धागा किस चीज से बना? तो वह कीड़ा ही ना, कीड़ा ही ना रिलीज करता है वो आपके बॉडी से। ठीक है शुभ नारायण, क्या है दिक्कत? एक मिनट रुको सर। सर सर बी का सिक्स में सर फॉल्स होगा ना, क्योंकि लार्वा लिक्विड सेक्रेट करता है जो बाद में फिलामेंट बन जाता है हवा से। किसका? सर बी का सिक्स, सिक्स में लार्वा सेक्रेट्स वेरी फाइन फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो ये फॉल्स क्यों होगा? सर पेज नंबर 216 ही में लिखा हुआ है द कैटरपिलर देन सेक्रेट्स अ लिक्विड। एक मिनट। सर जो प्रोटीन वाला लाइन था उसके पहले सर जो जिस लाइन में लिखा हुआ था मेड अप ऑफ प्रोटीन उसके पहले ही है जस्ट।
हाँ तो सही तो है, ट्रू है ये ट्रू है। ओके सर, वो फिलामेंट लिखा हुआ है ना, लिक्विड से क्रिएट करता है वो बाद में एयर के कांटेक्ट ना, उस लाइन को आप ठीक ढंग से देखिए है ना, उस लाइन को ऑब्जर्व कीजिए है ना, वह चीज आप साइड ये पढ़ाया नहीं गया लगा है ना। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ जो है ना वो आपका छूट गया है, फिर अगेन रिपीट करेंगे हम लोग है ना, रिपीट कर देंगे। तो उसमें रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क मॉथ इज लार्ज व्हाइट इंसेक्ट, सिल्क मॉथ करता है वो बड़ा होता है, उजला कीड़ा होता है। इट फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स, तो फीमेल जो सिल्क मॉट है लेज 100 ऑफ एग्स, वो क्या करता है माने अंडा जो देती है वो हंड्रेड्स में देती है, यानी एक सौ एक ही बार में आपको 100 अंडा दे देती है ना, 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड एट सुटेबल टेम्परेचर, दीज एग हैज टू प्रोड्यूस लार्वा है ना, यही एग जो है वो क्या करता है लार्वा प्रोड्यूस करते हैं विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वार्म, उसी को हम लोग सिल्क वार्म करते हैं। दिस लार्वा आर कैप्टिव क्लीन बॉक्स विच दे फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव, तो ये दिस लार्वा आर कैप्टिव क्लीन बॉक्सेस वेयर दे आर फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव फॉर 25 to 30 डेज एंड ग्रो इन साइज, तो उसको साफ सुथरे बॉक्स में रख दिया जाता है और उसको खिलाया जाता है फ्रेश मलबरी लीव खिलाया जाता है, उसकी लेकिन पत्तियां खिलाई जाती है कितने दिनों तक 25 to 30 डेज तक। ओके और ग्रो इन साइज द कैटरपिलर देन सेक्रेट्स ए लिक्विड, कैटरपिलर तब को क्या करता है लिक्विड को सेक्रेट करता है ठीक है। और प्रिंसिपल सर हट गए क्या, राजवीर सुनाई क्या हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहा है, प्रथम प्रथम कोई नहीं मन नहीं, तो ये देखो हम लोग आकृति आस्था आकृति कुमारी सुनाई दे रहा है, हेलो किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, तो चलो ये नेक्स्ट। तो कहने का गेट यह था कि वो ट्रू ही होगा, वो जो दिया है ना फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपको जो प्रोसेस ये जो लाइफ साइकिल ऑफ जो है ना सिल्क वार्म इसी में आपको कंफ्यूजन है ना, जो साइज छूट चुका है तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो इसका आपको वैश्वी सागर बोलिए। यस सर, सर क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कैटरपिलर होगा या लार्वा होगा? एक मिनट, कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का 4। सी का 4 एक लार्वा होगा, कैटरपिलर नहीं होगा, समझे? सर यहाँ पे 216 में आप देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, उसका जब लाइफ साइकिल जो है ना एक दो बार पढ़िए तो आप अपने क्लियर हो जाएगा, आपको उसी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म में ही
प्रॉब्लम है बच्चे को, और चूंकि उसको डिस्कस हो पाया भूल गए थे हम, इसका एक क्वेश्चन आंसर पे आ गए. ओके, इसीलिए आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म नहीं ना पढ़ाया गया, इसीलिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो आप उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे. अभी तो टाइम आपको 5 मिनट 6 मिनट रह गया है, तो आपका वो जो है उसका आंसर जो है ना वो लार्वा ही एप्रोप्रिएट आंसर है, कैटरपिलर नहीं होगा. और किसी को कोई प्रॉब्लम? शुभ नारायण सुनाई दे रहा है? शुभ नारायण? यस सर. उसमें कौन होगा, कैटरपिलर होगा कि लार्वा होगा? सर लार्वा सर. और सारे बच्चे आपको भी जो कंफ्यूजन है ना वो ट्रू फॉल्स में भी, वो आप लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म जो है ना उसको ठीक ढंग से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे ऑब्जेक्टिव में भी माने बोल रहा है बच्चे लोग जैसे ए का 7, तो वहां पर सिल्क वर्म भी वो मेड अप ऑफ सिल्क थ्रेड जो बना है वो प्रोटीन का बना है, बात सही है, लेकिन वो आया कहाँ से? कीड़ा से ही ना आया. कीड़ा सिल्क वर्म जो कीड़ा जैसे मकड़ा होता है ना जी, मकड़ा धागा रिलीज करता है ना, वो मकड़ा जाल अपना बनाता है ना, उसी तरह से सिल्क वर्म से ही. वह किस चीज की बनी हुई है? तो वहां पर प्रोटीन की बनी हुई है. ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आया? तो सिल्क वर्म से आया. तो इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स में भी कंफ्यूजन, फिर आपको एमसीक्यू में भी कंफ्यूजन, ये आपको उसका पीछे रीजन बिहाइंड है आपको ये. चलो हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट. तो बच्चे सब घर पे जा रहे हैं, 5 मिनट्स 27 उसमें अटेंडेंस आ गया होगा. तो अब ये आपको ए बी सी में कोई प्रॉब्लम, और किसी को प्रॉब्लम ए बी सी में? ए बी सी में किसी को प्रॉब्लम? प्रथम कोई प्रॉब्लम है? तानिद तानिद संजीत शानिद कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नहीं है. वो प्रॉब्लम कहाँ था आपका, इस पर फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रोज. वो है ए का 7 और इसका कौन था, बी का 6 है ना, बी का 6 और सी का 4. एक लड़की का था आपको कैटरपिलर, लेकिन होगा लार्वा. ठीक है, और कोई दिक्कत? तो अब आ जाइए डी का 1 में. डी का 1, तो डी के फॉर नेम 3 एनिमल्स हूज फ्लीस इज यूज फॉर मेकिंग वूलन फाइबर्स. तो कहता है 3 एनिमल्स का नाम लिखिए बताइए कि आपको उसका फ्लीस यूज होता है वूलन फाइबर्स के लिए, वह कौन कौन से होंगे? तो आपको ये तो अपने से भी बना सकते हैं, और वैसे पेज नंबर 214 में देखिए, 214 में आपको ऊल किस किस से देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना? तो शीप गोट कैमल, शीप गोट के 3 ही एनिमल्स का नाम बोल रहा है, तो उसमें आपको कौन कौन हो जाएगा, शीप है ना, गोट एंड कैमल. ठंडा में अब देखो नेक्स्ट सेकेंड, नेम 3 कॉमन वैरायटीज ऑफ ऊल, उसका भी वहीं पर जवाब है ना, अंगोरा पश्मीना एंड शहतूत, ये 3 है वहीं पर देखो.
फूल जो है ना, जो पैराग्राफ है उसी में है तीन जवाब उसका, क्लियर? ठीक है शानिधि, मिल गया आंसर? यस सर, हम लिखे हुए पहले से, पहले से लिखे हुए है ना, लेकिन दूसरे को भी बताओ, हेल्प करो। थर्ड है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉर्टिंग। सॉर्टिंग को आपको पेज नंबर 215, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फेल फ्रीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग, है ना? तो D3 भी आप समझ गए, पेज नंबर 215, पेज नंबर 215, क्लियर? नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म सेरिकल्चर, वहीं पर पेज नंबर 15 में ही 5, सेरिकल्चर आपको मिलेगा कहाँ? ये सिल्क में, देखो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म, है ना, विच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सिल्क सेरिकल्चर। ओके, कोई प्रॉब्लम? डिफाइन द टर्म सेरिकल्चर, क्लियर हो गया? पेज नंबर 215, हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन, है ना, कुकुन से कैसे सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है? वैश्वी सागर, क्या दिक्कत हो गया? कहा वैश्वी सागर? हाँ बोलो, वैश्वी सागर क्या दिक्कत है बोलो सर? पेज नंबर 214 में जब सिप का वो ये शेयरिंग हो जाता है तो उसको वो मरती नहीं है, है? क्या बोली, फिर से बोलो। जब सिप को, जब सिप का वूल निकाल दिया जाता है तब वो मरती नहीं है सर ठंड से? नहीं, वो आपको वो गॉड